हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको पार्ट थ्री वीडियो बता रही हूँ। इसमें आपको मैं आस्तीन के बारे में बता रही हूँ, इसका आस्तीन कैसे मैंने बुना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने जो है ना 100 फंदे डाले हैं, ठीक है। यहाँ से 100 फंदे डाले हैं और सेम वही डिज़ाइन डालते हुए जो है इसको हाफ करके मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से शुरू किया है और थोड़ी मैंने छोटी लेंथ रखी है इसकी, क्योंकि मुझे चौड़ी बॉर्डर नीचे लगानी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ मैंने कम रखी है, इसकी लेंथ कम रखी है मैंने। पूरा मैंने मतलब नीचे एंकल तक, यहाँ तक नहीं बनाया मैंने। मैंने इसको यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक बनाया है मैंने इसको। आप भी इस तरह से अपने अंदाजे से यहाँ से आप अपने हाथ की लंबाई के अनुसार बना सकते हो। यहाँ से बगल तक लेके और यहाँ से बगल की घटाई मैंने कर दी। सेम वैसे ही 7 फंदे घटा के और ये रेगलन घटाई कर दी है मैंने, और ऊपर मैंने फंदे रख दिए हैं, ठीक है। जैसे ही घटाई मतलब लंबाई पूरी होगी, मैंने जितने फंदे बचे उतने फंदे मैंने रख दिए। ये एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है, ठीक है। अब इस तरह से एक और मैं बना रही हूँ, अभी बना नहीं है। सेम एक और आस्तीन इसी तरह से बनेगा। जब दोनों बन जाता है मैं आपको दोनों दिखा दूंगी, और इसका जो बॉर्डर मैं बना रही हूँ उसको कैसे जोड़ना है वो बता दूंगी, प्लस कॉलर कैसे लगाना है वो बता दूंगी, और पूरा स्वेटर तैयार होने के बाद वो भी बता दूंगी आपको। तो आप मेरे ये स्वेटर के वीडियोस देखते रहिए फ्रेंड्स, मिस मत करना। एक भी आपका छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये स्लीव्स मैंने बताया था आपको बताऊँगी, ये 2 स्लीव्स बन गए मेरे। ये देखिए, ये 2 स्लीव्स तैयार हो गए हैं, ये बन गए फ्रेंड्स। अब बस इसको स्वेटर में जोड़ना है। 3/4 बनाया है मैंने, इसमें बॉर्डर लगाऊंगी फ्रेंड्स। अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऊन मिल नहीं रहा लॉकडाउन के कारण, तो अभी 3/4 में मैं बता दूंगी। बाद में मैं जब ऊन मिलेगा तो बॉर्डर लगा के बता दूंगी। वैसे ऐसे भी आप रख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो ये स्लीव्स हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको स्वेटर का बताती हूँ। मैंने कॉलर बना लिया है उसका। ये हमारा स्वेटर है, इसको मैंने जोड़ लिया है फ्रेंड्स साइड से, ठीक है। यहाँ से मैंने जोड़ दिया है, यहाँ से, यहाँ पर जॉइंट है, देखिए इस जगह पे, ये ऐसे जोड़ा हुआ है, ये जोड़ है, ये वाला जोड़ है। ये पता भी नहीं चल रहा इसके साथ मिक्स हो गया है। तो इस तरह से मैंने जोड़ दिया है इसको, ऐसे डिज़ाइन के जगह पे जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ऐसे पकड़ के मैंने ऐसे बैक स्टिच से इसको जोड़ा है पूरा, ठीक है। इसको अब ये हो गया है फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने जोड़ लिया है। अब इसमें मैं बड़े वाले टीच बटन लगाऊंगी, और चाहे तो शो के लिए ऊपर से बटन लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ये कॉलर बनाया, देखिए बहुत सुंदर। इसमें मैंने 130 फंदे डाले हैं फ्रेंड्स, और पूरा मैंने बराबर इक्वली इसको वो कर लिया है। यहाँ पे अच्छे से मैंने डिवाइड करके इसको बराबर फंदे वो करके, और इसको पूरा 130 फंदे उठा के इसको इतना बुन लिया है मैंने, ठीक है। 6 उंगल के करीब है ये पूरा करके मैंने फिर यहाँ पे बैंड की तरह जैसे बंद करते हैं उस तरह से मैंने बंद किया है इसको। तो ये कॉलर भी कम्प्लीट हो गया। अब ये पहनने में बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। अब ये जब आस्तीन इसकी जुड़ जाएगी तो मैं इसको फिर पहन के इसका वीडियो लेके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आया है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ये। ऐसे आप थोड़ी दूरी पे यहाँ बटन लगा दोगे तो ये इस तरह से फैल के ऐसा रहेगा गले में ऐसे। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए। ये अभी फिनिशिंग वगैरह करना है। कॉलर तो तैयार हो गया हमारा, अच्छा लग रहा फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब इसके मैं स्लीव्स जोड़ के फिर इसको पूरा कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ, पहन के भी और वैसे भी। अब फ्रेंड्स ये पूरा मतलब ये बन गया है। तो इसका जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, कितने फंदे डाले हैं, कितनी लंबाई रखी है, और कॉलर में मैंने कितने फंदे लिए हैं,
और इसका डिज़ाइन तो पहले मेरे उसमें वीडियोस में मिल जाएंगे आपको, बहुत पहले मैं समझा रखा है। एक ब्राउन कलर का स्वेटर है, स्किन कलर का, उसमें मैंने समझा रखा है, देखिएगा तो आप देख लेना उसमें। और बाकी मैं इसका पूरा डिटेल दे दूंगी आपको, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसको जुड़ने के बाद लास्ट वाला इसका वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।